मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगरवासियों को भैया दूज, दिवाली, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। SFM एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन दाने से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वाइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। श्री शिशु सहायता रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु सहायता रामलीला सभा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्म पत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश। मैं रामचंद्र काद्यान, समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और यमुना नदी में कार्तिक माह के नहाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं संजीव कुमार सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशी लाए। मैं सुरेश वर्मा, महापौर नगर निगम पानीपत, मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाए, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का, बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियो का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं, सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सनातन धर्म सेवा संगठन की ओर से किया गया निशुल्क राशन वितरण समारोह का आयोजन। काबड़ी फाटक स्थित शक्ति नगर के एक घर में लगी भीषण आग। अंकन साहित्य मंच की ओर से किया गया काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। गांव सनोली खुद में ब्यूटिशियन और कंप्यूटर प्रशिक्षण के समापन अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हलवाई और कैटर्स एसोसिएशन पानीपत की तरफ से किया गया मीटिंग का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। श्री सनातन धर्म सेवा संगठन की ओर से 28वें निशुल्क राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने शिरकत की। नर सेवा ही नारायण सेवा के संदेश को साकार करते हुए श्री सनातन धर्म सेवा संगठन ने गीता मंदिर में 28वें निशुल्क राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज व शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के प्रधान सूरज पहलवान व मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की। सनातन धर्म संगठन के प्रधान सूरज पहलवान का कहना है कि संगठन हमेशा ही सामाजिक कार्यों का आयोजन करता रहता है और आज 550 परिवारों को राशन वितरित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ये है कि अंत्योदय तक, अंत्योदय ये है कि जो भी लाइन में व्यक्ति बैठा है जिसको जरूरत है उस तक हम पहुंचे। प्रभु ने बहुत लोगों को समर्थ बनाया, उनको अपना हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा समाज को इस वर्ग के लिए जिनको उनकी जरूरत है। यही तो भाईचारा है, यही तो आपस में मिलना जुलना और आपस में समाज में रहना है। तो महाराज जी, इस मौके पे मैं सनातन धर्म संगठन को, सभी मंदिरों के प्रधानों को, आपके किसी भी मेंबर को, अगर आपके पास समाज से कोई गरीब औरत की बिटिया की चाहती है, कोई भी हो, अगर आप उसके कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कोई भी हो और आपका कोई भी
सवारी उस पर वेरीफाई करने की उसको जरूरत है। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं बीज प्रधान की तरफ से 5100 रुपए की घोषणा करता हूँ। हर बच्ची को 5100 रुपए जरूर देंगे, आपका आशीर्वाद है। ये एक बार फिर संगठन सूर्य प्रधान जी आपका साथियों का यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काबरी रोड स्थित शक्ति नगर के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। सुबह 9:30 बजे काबरी रोड स्थित शक्ति नगर में एक मकान में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मकान में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जिस समय आग लगी वह घर के बाहर थी। आग में घर का सारा सामान जैसे फ्रिज, टीवी, पंखा, बेड जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई, जिस कारण एक बड़ा हादसा टल गया। गड़ी शक्ति नगर गड़ी नंबर 1 की घटना है। सुबह 9:30 बजे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घर में एक अकेली बुढ़िया है, कमाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसमें घर में पूरा सामान जो है जल के खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। अंकन साहित्य मंच की ओर से आज मासिक काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के कई कलाकारों ने अपनी पंक्तियों से मौजूदा लोगों का मन मोह लिया। आरएपीजी कॉलेज के प्रांगण में अंकन साहित्य मंच की ओर से मासिक काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष भाटिया ने की और डॉक्टर एपी जैन ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने अपनी पंक्तियों से मौजूद लोगों का मन मोह लिया और उन्हें तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। पानीपत में कवियों की जो गोष्ठी होती है, महीने भर में 3 गोष्ठियाँ होती हैं और आज ये गोष्ठी आर्य कॉलेज में अंकन साहित्य सभा की तरफ से ये गोष्ठी आयोजित की गई है, जो हर महीने के आखिरी एतवार में ये गोष्ठी यहाँ पर की जाती है। इस गोष्ठी में पानीपत शहर के या तमाम पानीपत के आसपास के ज़िले के कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपना अपना लिखा हुआ कुछ ना कुछ गीता गीत या गज़ल या कोई और पाठ्य चीज़ पढ़ते हैं और लोगों को इसको लोगों को सामने पेश करते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने अलकावासियों को दशहरा की और दिवाली की शुभकामना देता हूँ। और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तोर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हलके के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक एक सिपाही जो है ना वो 20-25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हलके के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन पार्षद 22 वार्ड दिल अपने दिल की गहराइयों से और अपने सभी बाढ़वासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्यौहार है। आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे और हम ऐसे ही, जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पीसीसी एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा। और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में पूरी हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, पीसीसी एकेडमी, पानीपत।
आप सबको दीपावली भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देता हूं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह त्यौहार खुशियां लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मैं कनिका मिगलानी सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष सभी शहरवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल। फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल रिफाइनरी बाईपास रोड बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए नया मोबाइल ले जाए। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स। नियर ओल्ड चांदनी बाग नवा कोट गुरुद्वारा मोड सनोली रोड पानीपत। गांव सनोली खुर्द में सद्भावना युक्ति मंडल व यमुना सुधार समिति की ओर से चलाए जा रहे निशुल्क ब्यूटिशियन व कंप्यूटर प्रशिक्षण के समापन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे साहिब सिंह ने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियां घर पर सिलाई कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा विभाग की लड़कियों के लिए दोबारा से निशुल्क कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। समापन कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा 75 महिलाओं व लड़कियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे गए। 6 महीने से गांव सनोली में यमुना सुधार समिति की तरफ से और यूथ मंडल सनोली की तरफ से 3 रोजगार कैंप हमने चलाए हैं, जिसमें एक ब्यूटिशियन का है, एक और उसका कंप्यूटर का है। करीब 100 बच्चों ने इसमें रोजगार के लिए हमने सर्टिफिकेट इनको दिए हैं। निःशुल्क इनको ट्रेनिंग दिलवाई है ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में अपने परिवार को ठीक तरह से चला सकें। पूरा सेंटर चला है और सभी बच्चे वहाँ पर हाजिर रहे हैं और करीब 8-10 गांव के बच्चे सारे थे और यूथ मंडल ने पूरा सहयोग किया। यमुना सुधार समिति ने भी पूरा सहयोग किया है। वर्षो पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। हलवाई और कैटरर्स एसोसिएशन पानीपत की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हलवाई और कैटरर्स एसोसिएशन पानीपत ने होटल एफएल ग्रैंड में मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग का मुख्य विषय कैटरर्स को आने वाली दिक्कतों के लिए कमेटी का गठन किया गया। एसोसिएशन के प्रधान व मीडिया प्रभारी का कहना है कि इस मीटिंग में करनाल के कैटरर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया और कहा जैसा कि पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शहर को पॉलिथीन और थर्माकोल मुक्त बनाए जाने की मुहिम शुरू की है, उसको वह पूर्ण रूप से अपनाएंगे और दीपावली के बाद पॉलिथीन और थर्माकोल का प्रयोग बिल्कुल बंद करेंगे। हलवाई और कैटर यूनियन की आज मीटिंग का आज गठन किया है, इसके लिए हम बहुत दिन से प्रयास होते और आज उसको हमने पूरा किया इस लक्ष्य को। क्यों झूठ क्यों पड़ेगा? ताकि एक परिवार के लोग हैं, आपस में मिलते जुलते भी रहे, किसी को दुख तकलीफ हो उसमें इकट्ठे से मिलित हो सके और कोई मतलब ब्याह है, शादी है, किसी के घर फंक्शन है, आ जा सके आपस में। और एक हमने आज निर्णय लिया है सरकार के सहयोग के साथ, कई सरकार सहयोग करेंगे, दिवाली के बाद हम थर्मोकोल और प्लास्टिक के ऊपर जो डोना पत्ता हम चलाते हैं उसको बंद करेंगे। हम ये अपने बंदों से दूसरी मीटिंग में पूछेंगे कि आज हमने इस समिति का गठन किया है एसोसिएशन का, मुद्दे हम बाद में पूछेंगे अपने भाइयों से, किसी को कोई दुख होगा तकलीफ होगा उसका समाधान करेंगे, अगर होने वाली बात होगी तो, अगर नहीं होगी तो उसको भी समझाएंगे। मतलब कैटर्स के लिए हम ये चाहते हैं अब आपस में मिलजुल के रहें, किसी का ज़्यादा मतलब कंपटीशन में ना जाएं, जिसको जो काम मिलता रहे काम सबको मिलता रहे, बराबर मिलता रहे, हम तो ये चाहते हैं। आज हम लोगों ने प्रयास किया है
कि कैटरर और हलवाई यूनियन जो काफ़ी समय से हम लोग देख रहे थे कि एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, तो प्रयास है कि एक छत के नीचे सबको लाया जाए। और उसमें यह था किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस यूनियन के हिसाब से वो लोग हम लोग सुचारू रूप से उसकी वो दिक्कत दूर भी कर पाएँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि भाई कोई गरीब है या उसकी मदद, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग जैसे मेंबर सभी ने कुछ राशि हम लोग इकट्ठी करके रखेंगे, जिसमें कोई भी गरीब है, इसमें कोई परिवार नहीं, तो कोई भी गरीब है, और यूनियन उस पैसे को बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। वो पैसा सारा कोई भी गरीब बंदा, हमारे पास कोई शादी ब्याह, किसी बच्चे की शादी होती है, वो आते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे वो पैसा वहाँ पर लगाया जाए। ब्रेक थ्रू पिछले 5 सालों से हरियाणा के 4 जिलों पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर में लिंग भेदभाव व लिंग चयन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में आज राजाखेड़ी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र मोहित ने एक नई पहल की और उसने अपने भाई भाभी के घर बेटी पैदा होने पर उसकी खुशी में कार्यक्रम करने का फैसला लिया। हालांकि पुरानी रूढ़ियों से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन मोहित ने अपने तर्कों से सबको सहमत किया और आज कुटानी रोड स्थित गांधी कॉलोनी में बेटी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थालियां बजाते हुए रैली निकालकर बेटियों का स्वागत किया गया। इसके बाद कुआ पूजन का कार्यक्रम भी किया गया। अब आप ही बताइए ये बेटियाँ किस मिट्टी से बनाई है? लोगों, अब आप ही बताइए ये बेटियाँ किस मिट्टी से बनाई है? लोगों, अब आप ही बताइए ये बेटियाँ किस मिट्टी से बनाई है? लोगों, अब आप ही बताइए ये बेटियाँ किस मिट्टी से बनाई है? लोगों, अब आप ही बताइए ये बेटियाँ किस मिट्टी से बनाई है? ब्रेक थ्रू ने ये पहल की है कि बेटी होने पर इस तरह का कार्यक्रम करना, महोत्सव करना बहुत ही सराहनीय है और इसके तमाम ये सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ मैंने बदलाव जो देखा है बच्ची को लेकर कि एक बच्ची पैदा होने पर कुआ पूजा, मैं गांव में देखती आई हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो जब लड़का होता था तो थालियाँ बजती थी और कुआ पूजन होता था, और मैंने जब ये सुना कि भाई एक लड़की होने पे ये कुआ पूजन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की मैं बात मेरे लिए क्या होगी, जिस बेटियों के लिए लड़ाई हम दिन रात लड़ते हैं, जिन बेटियों को हक दिलाने के लिए हम दिन रात समाज सेवी सभी मेहनत कर रहे हैं और सरकार भी उसमें अग्रणी होकर आगे आई है। हमारे पानीपत की ऐतिहासिक धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत इसी धरती से की थी, और आज इसी धरती पे एक ऐसी कॉलोनी है जो ये यहाँ का बदलना, तो मेरे लिए तो ये लगता है कि भाई बदलाव, देश में बदलाव हो रहा है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली दीपों का त्यौहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलें, सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाएं। नमस्कार, मैं संदीप मलिक फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक, मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, यह पर्व आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए। नमस्कार, ऑन द बिहाफ ऑफ स्मॉल वंडर आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ऑन दिस फेस्टिवल आई विश यू लॉट्स ऑफ लव, लाइफ एंड लॉट्स ऑफ लाफ्टर। प्लीज बी सेफ एंड हैव अ हेल्दी दिवाली एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई
को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाई। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।